नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाई फाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सितंबर लास्ट वीक का करंट अफेयर का ये पार्ट 2। जी हाँ, तो पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखा है, आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। जी हाँ, तो ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाई फाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर्स के पास, जिसके पास आपको लगे कि शेयर करना चाहिए उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री, जी हाँ, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? तो रूस। जी हाँ, तो रूस के लिए रवाना हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? जी हाँ, तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो राजीव कुमार ने। जी हाँ, तो राजीव कुमार ने अपना कार्यभार नए चुनाव आयुक्त के रूप में संभाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने, जी हाँ, तो केंद्र सरकार ने समूह ग, जी हाँ, तो समूह ग की नौकरी में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा देने की, यहाँ तो स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की गई है, तो 20 नए खेल, जी हाँ, तो 20 नए जो है वो शामिल किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है, यानी कि किस मंदिर में जो है पंचामृत चढ़ाने की रोक लगा दी गई है? तो महाकालेश्वर मंदिर, जी हाँ, तो महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर पंचामृत, जी हाँ, तो पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है विश्व नारियल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जी हाँ, तो विश्व नारियल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियड, जी हाँ, तो और ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसने विजेता, जी हाँ, तो जिसने विजेता घोषित किया गया, यानी किसे विजेता घोषित किया गया? तो भारत एवं रूस को जो है वो विजेता घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है ब्रिटिश ड्राइवर, जी हाँ, तो ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जी हाँ, तो लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, यानी किस रेस को जीतकर? तो बेल्जियम ग्रापी, जी हाँ, तो बेल्जियम ग्रापी रेस को जीतकर जो है ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, वो भी 5वीं ट्रॉफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है किस राज्य में, जी हाँ, तो किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम, या तो विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम इनकी टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में, जी हाँ, तो गुजरात में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की बात की गई है, यानी कि घोषणा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जी हाँ, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? तो 15%, जी हाँ, तो 15% जो है हिस्सेदारी बेचने का उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में
किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश एवं प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? जी हाँ, तो विद्युत विधेयक को क्या कर दिया, खारिज कर दिया है, तो वो है पंजाब। जी हाँ, तो पंजाब ने जो है कृषि अध्यादेश और विद्युत विधेयक को खारिज कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है हाल ही में, जी तो हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, जी तो किस राष्ट्रपति का जो है 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वो है प्रणब मुखर्जी। जी तो प्रणब मुखर्जी जी की मृत्यु 84 साल की उम्र में हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जी तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए, यानी कि कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 30 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है, जी हाँ, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा, जी हाँ, तो प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानन, जी हाँ, तो अवमानना मानने पर फैसला सुनाते हुए, जी हाँ, तो फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 1 रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी, जी हाँ, तो जननायक जनता पार्टी यानी कि जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो अजय सिंह चौटाला, जी हाँ, तो अजय सिंह चौटाला को जजपा का जो है अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है लेबनान में, जी हाँ, तो लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया है, तो मुस्तफा आदिब आदिब, जी हाँ, तो आदिब मुस्तफा आदिब को नामित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है किस राज्य में, जी हाँ, तो किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है, जी हाँ, तो स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वह देश, जी हाँ, तो वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कब काज 2020, जी हाँ, तो कब काज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो भारत ने इससे खुद को अलग कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है वेस्ट इंडीज ने, जी हाँ, तो वेस्ट इंडीज ने जिस ऑलराउंडर, जी हाँ, तो वेस्ट इंडीज के जिस ऑलराउंडर ने, जी हाँ, तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट, जी हाँ, तो 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो डाविन ब्रावो, जी हाँ, तो डेविन ब्रावो बन गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है किस देश के, जी हाँ, तो किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थारंगा, जी हाँ, तो निषाद थारंगा परन बिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषित किया है, तो वो जो है निषाद थारंगा परन बिताना जो है वो आपके श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस, जी हाँ, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है वह राज्य, तो वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन, जी हाँ, तो चेतन चौहान के नाम पर, जी हाँ, तो चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार, जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का, जी हाँ, तो जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया, तो चैडविक
बोसमैन। जी हाँ, तो चैडविक बोसमैन जो है वो 43 साल की उम्र में, जो कि एक हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि निधन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, जी हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान, जी हाँ, तो नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया, तो वो किस देश की थी? तो वो ब्रिटेन की थी। जहाँ तो ब्लू प्लाक से जिन्हें सम्मानित किया गया नूर इनायत खान, वो जो है वो ब्रिटेन की एक जासूस थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है, बोला जा रहा है तेलुगु भाषा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है भारत और किस देश ने, या तो भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर में। जो तो सिंगापुर के साथ जो है भारत ने 14वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर्स के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाई फाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जो कि बगल में है। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।